एक को सेटअप करने के लिए सोफी पैसे कहां से लाएगी सोफी बोलती है कि जब तक उसके पास इनफ पैसे नहीं आ जाते वो एक मैनेजर बनकर काम करेगी और मनी सेव करती रहेगी जैनसी फिर उसे बोलती है कि वो एकदम मैनेजर थोड़ी बन जाएगी ये कैसे हो सकता है सोफी फिर भी अपनी ड्रीम्स को गिवअप नहीं करती और बोलती है कि उसका ब्यूटीक बेस्ट ब्यूटीक इन दिस सिटी होगा वो कहती है कि वो मैरी क्वॉंट फेमस ब्रिटिश डिजाइनर जैसी होगी जैनसी एक प्रैक्टिकल इंसान होने के तौर पर जानती है कि वो और उसकी फ्रेंड सोफी की डेस्टिनी एक ही है कि वो बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे वो सोफी की चाइल्डिश फैंटसीज को के दुखी हो जाती थी वो चाहती थी कि सोफी में रियलिटी एक्सेप्ट करने की क्षमता आए और वो हवा में ना उड़ती रहे उसने बोला कि लोग शॉप वर्क के लिए ज्यादा पैसे नहीं देते हैं और सोफी के डैड वैसे भी ये सब अलाउ नहीं करेंगे लेकिन अब सोफ़ी बोलने लगती है कि वो एक एक्ट्रेस बन जाएगी और क्योंकि एक्ट्रेसेस फुल टाइम काम नहीं करती रहती हैं तो वो अपने बुटीक को भी चला पाएगी सोफी पैसों की बातें करते करते अपने घर के अंदर आ जाती है उसके फादर फिर बोलते हैं कि अगर कोई पैसा उसके पास आएगा तो बुटीक नहीं एक डिसेंट हाउस खरीदना चाहिए अपनी फैमिली के लिए इससे हमें उसकी फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन पता चलता है उसका छोटा भाई डेरिक उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते एंड देन हर मदर साइज एट हर डॉटर्स ड्रीम्स एंड फैंटेसीज सोफी अपनी मां को देखती है काम करते हुए शी वॉज बेंडिंग ओवर सिंक और उनकी बैक हाउस होल्ड वर्क के बर्डन की वजह से बेंड हो चुकी थी सोफी फेल्ट हर चेस्ट टाइटनिंग जब वो अपने छोटे घर को नोटिस करती है जिसमें स्टोव की वजह से स्टीम भरी हुई होती है और डर्टी प्लेट्स पाइल्ड अप होती हैं शी फील सैड सो शी गोज टू फाइंड हर एल्डर ब्रदर जो एक कमरे में अपनी मोटरसाइकिल का एक पार्ट के साथ टॉय अराउंड कर रहा होता है वो एक मैकेनिक एम्प्रेंटिस बन चुका था और तीन साल से स्कूल नहीं गया था वो इतना शांत सा इंसान था कि सोफ़ी उसकी लाइफ के ऐसे पार्ट्स के बारे में सोचती रहती थी जिसके बारे में वो कभी बताता भी नहीं था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था और ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था ही वॉज़ इंट्रोवर्टेड यू नो ही वॉज़ मोस्टली साइलेंट सोफ़ी उसकी इस साइलेंस से बहुत जेलस थी जोफ की दुनिया वो जानती नहीं थी और उस चीज़ की वजह से शी वॉज फैसिनेटेड बाय हिज़ वर्ल्ड आफ्टर ऑल दिस ह्यूमन नेचर टू बी फैसिनेटेड बाई वॉट यू डोंट नो She just wanted to know it she just wanted to know his world wo chahti thi ki wo apne brother close bane taki kabi wo uske sath un unknown places mein jaye wo chahti thi ki of close she dreamt of accompanying her brother and sitting behind him on his motorcycle and to go places with him But all this, much like anything else she ever did or recited or thought about जस्ट ड्रीम्स सोफी जियफ को एक स्टोरी बताती है जब वो डैनी केसी से मिली थी जो एक आयरिश फुटबॉलर था जियोफ स्पोर्ट्स को बहुत पसंद करता था एंड दिस वॉज सोफीज वे ऑफ गेटिंग हिज अटेंशन लेकिन जियोफ को यह पता था तो सोफी की बात वो बिल्कुल बिलीव नहीं करता था लेकिन सोफी उसे बताने लगती है दैट शी मेड डैनी जहां पर वो विंडो शॉपिंग कर रही थी एंड ऑफकोर्स शी टोल्ड हिम मेनी थिंग्स अबाउट द मीटिंग कि वो चाहती थी कि वो अपने छोटे भाई डेरिक के लिए डैनी केसी का ऑटोग्राफ ले लेकिन डैनी केसी के पास ना पेन था ना पेपर था तो उन्होंने क्लोथ्स के बारे में बात करनी शुरू कर दी एंड देन दे सडनली डिसाइडेड कि वो अगले हफ्ते मिलेंगे और तब केसी सोफ़ी को अपना ऑटोग्राफ दे देगा सोफ़ी ने जी ऑफ को बोला कि वो इस मीटिंग के बारे में किसी को ना बताए उसने अपनी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए केसी की फिजिक की डिस्क्रिप्शन भी दी और उसके बाद ड्यू टू द डिस्क्रिप्शन जे ऑफ फाइनली स्टार्टेड बिलीविंग इन द स्टोरी दैट सोफी टेलिंग हिम वो अपने डैड को इस स्टोरी के बारे में बताने गया लेकिन यार वो तो अपनी बेटी को जानते थे ना एंड दस डिड नॉट बिलीव इन स्टोरी तो सोफी डेकोरेटेड द स्टोरी विद इवन मोर डिटेल्स देन द बॉयज ऑफ द फैमिली डैनी केसी के बारे में बात करने लगे सोफी के फादर ने सोफी को बोला कि उसकी फैंटसीज की वजह से एक दिन शील बी इन ट्रिमेंडस ट्रबल अब पूरी फैमिली डैनी केसी का मैच देखने चली गई डेरिक सोफी और उनके फादर गोल के पास बैठ गए और जे ऑफ एज यूज अपने दोस्तों के साथ ऊपर बैठने चला गया एंड देन ऑल ऑफ सडन जैंसी सोफी से उधर मिलती है शी कम्स टू नो कि जैंसी को उसकी और केसी की मीटिंग के बारे में पता है सो राइटफुली शी गेट शॉकड फिर उसे पता चलता है कि ये जैनसी को जे ऑफ नहीं बताया होगा और फिर वो जे ऑफ से गुस्सा हो जाती है शी गेट्स एंग्री सोफी को डर लगने लगता है कि अगर उसके फादर को यह सच लगने लगा तो उसे डांट पड़ सकती है बट जैनसी को लगता है दैट हर फादर वुड बी हैप्पी टू नो इट शी कम्स टू नो दैट जैनसी को केसी और उसकी प्लान डेट के बारे में कुछ नहीं पता है सो शी गेट्स रिलीव्ड फिर सोफी जैनसी को बताती है कि उसकी केसी के साथ जो मीटिंग हुई थी वो एक चांस इनकाउंटर थी अपने आप ही हो गई प्लान ब्लैंड थोड़ी था और वो नहीं चाहती थी कि लोग इसके बारे में जाने जैंसी सोफी को बताती है कि उसका सीक्रेट उसके साथ सेफ है शी कैन बी ट्रस्टेड सोफी अपनी ड्रीम्स और फैंटेसीज और लाइज में इतना इन्वॉल्व हो चुकी थी एट दिस पॉइंट कि वो मेड अप स्टोरीज जो बता रही थी सबको शी बिगैन टू बिलीव दैट दे आर ट्रू कि वो असली में हुए हैं फॉर सम रीजन और फिर वो डैनी केसी से मिलने असली में चली जाती है एट हर फेवरेट स्पॉट बिकॉज दिस वॉज आइडियल डेट इन हर ड्रीम वर्ल्ड इन हर फैंटसीज वो इमेजिन करने लगती है कि केसी उसके पास आ रहा है लेकिन वो असली में आता थोड़ी है इस रियलाइजेशन की वजह से वो दुखी हो जाती है अब वो अपनी फैमिली को ये सब कैसे समझाएगी उसकी फैमिली तो सिर्फ उसे डाउट ही करेगी ना जी ऑफ उससे नाराज हो जाएगा लेकिन यह सब उसे बिल्कुल भी नहीं रोकता वो फिर से अपनी फैंटेसीज में जीने लगती है वो फिर से ड्रीम करने लगती है फिर से सोचने लगती है ऑफ केसी मीटिंग हर एट द रॉयस अबाउट हिज लुक्स हिज अपियरेंस वो उसका ऑटोग्राफ मांगती है लेकिन उसके पास पेन नहीं होता शी कीप्स वेटिंग इन दर्कड केसी की सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस को याद करते हुए ऑफ इनोसेंट जीनियस डैनी केसी बट ये सब तो फैंटसीज थी ना तो क्या कभी सोफी केसी से मिली थी फाइनली चैप्टर की लास्ट फ्यू लाइंस में हमें आखिरकार पता लगता है कि केसी को सोफी ने एक मैच में ही देखा था गोस्टिंग पास द डिफेंडर्स एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम्स द डेट्स द चांस एनकाउंटर एट द रॉयस वेल दैट वॉज जस्ट फैंटसी प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रेस्ट ऑफ क्लास ट्वेल्व इंग्लिश एनिमेटेड वीडियो बाय ग्रैंड अकेड फॉलो आर इंस्टाग्राम जॉइन आर टेलीग्राम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड टिल नेक्स्ट टाइम कीप विनिंग यू चैंपियंस